जय श्री राम। तो यहाँ देखिए मेरे जितने भी सारे फूल हैं सब ड्राई हो चुके हैं। आप जानते हैं कि बहुत पहले से मैं इन फूलों को ड्राई कर रही हूँ। मैंने कहा था कुछ DIY करूंगी, तो आप देखिए क्या है DIY। तो मैंने कुछ आइटम लिया है, जैसे गोबर के उपले हो गए गाय के, और 10-12 लौंग हो गया, 4-5 इलायची हो गई है, तेजपत्ता 4-5 हो गया, 1 मुट्ठी नारियल का छिलका हो गया है, गूगल मैंने लिया है, और हवन की सामग्री है, कपूर है, और मैंने इसमें इसको मतलब मिक्स करने के लिए गुलाब जल ऐड किया और चंदन पाउडर जिससे स्मेल आए, और मैंने और अच्छे सुगंध आने के लिए मैंने इसमें सिनेमन स्टिक ऐड किया है, दालचीनी। सबसे पहले जितने भी खड़े आइटम है जैसे तेजपत्ता हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, गोबर के उपले हो गए गाय वाले, इन सबको एक साथ मिक्स करूंगी फ्लावर के थोड़े से पेटल के साथ। पहले इसको मैं पाउडर बनाऊंगी और ये दालचीनी के टुकड़े भी इसी टाइम पे ही ऐड करूंगी। एक बार इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ऐड करूंगी इसमें हवन सामग्री। तो ये धीरे धीरे रुक रुक के इसको मिक्सी में चलाते रहना है। अब ये देखिए इस तरीके से पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब यहाँ पे जितने हवन सामग्री आती ना, हवन सामग्री आती है मार्केट में, मिल जाएगा आपको हवन सामग्री। तो मैंने एक पैकेट में हवन सामग्री लिया है और ये एक मुट्ठी में इसमें डाल रही हूँ नारियल का छिलका। अब इसको भी धीरे धीरे चर्न करना है, घुमाते चले जाना है, और अब ये देखिएगा इस तरीके से रुक रुक के मैं इसमें चला रही हूँ ताकि पाउडर बन जाए। तो ये बहुत बढ़िया पाउडर बन गया है। और इसके बाद इसे ना अब हम लोग छान लेंगे। मेरे पास ना बड़ी वाली छन्नी नहीं थी, एक आती स्टील की बड़ी छन्नी, उसमें बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अभी इसमें देखिए बहुत अच्छे से इसको मैंने स्टील वाली छन्नी लिया है, इससे मैं इसको धीरे धीरे सारे पाउडर निकाल लूंगी। बट वो बड़ी वाली छन्नी होती है तो उससे अच्छे से हो जाता है, मेरे पास फिलहाल नहीं थी। प्लास्टिक वाली से मैं कर रही थी पर इसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने स्टील से ही पूरे इसको छान लिया है। और अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या ऐड करना है। तो ये देखिए फ्लावर्स के जो महीन पीसा हुआ है वो साइड में किया है, और ये रेसिड्यू जो बचा हुआ छन्नी के ऊपर वाला हिस्सा। तो इसको ऊपर वाले हिस्से को फेंकना नहीं, इसी के साथ फ्लावर के पेटल्स को मिक्स करते हुए पूरा बनाना है। तो मैं ये पूरे फ्लावर के पेटल को नहीं यूज करूंगी, थोड़ा सा मैं रखूंगी और थोड़े से मैं बनाऊंगी। तो अभी ये देखिए जो बचा हुआ रेसिडियू था उसी के साथ मैं फ्लावर पेटल को ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करती चली जाऊंगी। ऐसे ही सेम करना है कि पाउडर का जो निकालना है सेव करके स्ट्रेन, और जो बचा रेसिडियू उसके साथ हम फ्लावर के पेटल को ऐड करते चले जाएंगे और उसके बाद को मिलाते चले जाएंगे। तो ये देखिए इतना मैं फ्लावर के बनाऊंगी, एक तो महीन है एकदम महीन पाउडर, और कुछ रेसिडियू का मैं बनाऊंगी, मतलब बिना छना हुआ। मैं मुझे बस टेस्ट करना था कि कैसा बनेगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आटा, जितना पाउडर है उतना ही मैं आटा डाल रही हूँ, क्योंकि आटा पाइंडिंग का काम करता है, इसलिए उतना ही मैंने आटा डाला है। एक कटोरी अगर मेरा क्या कहते हैं जो पाउडर है, एक कटोरी मैंने आटा डाला है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये चंदन पाउडर, और आप इसमें इत्र भी मिला सकते हैं जिससे कि स्मेल अच्छी आए। और अब जितने भी सामान मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उतना ही मैं जो बचा हुआ छना हुआ पार्ट है उसमें ऐड करूंगी, मतलब पाउडर में महीन वाले में और जो बिना छना वाला है उसमें ऐड करूंगी मैं। तो अब ये देखिए मैंने इसमें शहद ऐड कर लिया है, शहद से सारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है, और कपूर वगैरह से भी नेगेटिव दूर होते, लौंग हो गया, इलायची हो गया, और इन सबसे नेगेटिव तो दूर होते हैं, मच्छर मक्खियां भी भागते ही भागते हैं। तो अगर आप मतलब इस फूलों को अगर धूप बत्तियों को अगर पूजा करने में नहीं यूज कर सकते, जबकि बहुत चीजें लोग बोलते हैं कि नहीं यूज करना चाहिए भगवान को चढ़ाया हुआ फूल है, तो आप इसको ऐसे भी मच्छर भगाने के भी यूज कर सकते हैं, इसके धुएं से सारे मच्छर मक्खियां भाग जाएंगे। और इसमें ना मैंने चमेली का ऑयल यूज किया है, आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास चमेली का तेल था तो मैंने वही यूज किया है। और अब देखिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जितनी भी चीजें मैंने ऐड की है उसमें, और जो रेसिपी है उसको मैं बाद में बनाऊंगी, फिलहाल जो मतलब पाउडर फॉर्म है उसको मैं बना रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी मैं, बस घी और गुलाब जल इन्हीं से ही बनाना, और घी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ऐड करना है, थोड़े ही थोड़े ऐड करना है। गुलाब जल से इसको ना डो बनाते चले जाएंगे, अच्छे से सानते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको देखिए अभी एकदम पाउडर फॉर्म में मैंने हल्का सा गुलाब जल डाला है, तो ये अभी नहीं मतलब क्या कहते हैं डो बन रहा है, बट ऐसे गुलाब जल डालते चले जाएंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे, बीच में घी भी ऐड करते रहेंगे। तो देखिएगा बहुत अच्छा सा ये डो बन के तैयार हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुलाब जल, गुलाब जल से ही इसको सानना है। और आपके पास अगर कुछ आइटम नहीं भी है जिसमें ऐड करना, आप इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं,
और ये जो गुलाब जल है ना इसको इकट्ठे मत डालिएगा, बहुत लिक्विडी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल ऐड करके और डो बनाते चले जाना है। और अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको मैं अब घी ऐड करूंगी, अब इसको मैं मिक्स करूंगी। और जब भी गुलाब जल ऐड करूंगी तो इसको तुरंत घी नहीं डालना है, थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद तब घी बीच में ऐड करना है, लगातार एक साथ नहीं ऐड करना है। तब ये देखिए बाइंडिंग होना अच्छे स्टार्ट हो गया और मेरे पास आ गए गप्पू की, मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी बनाऊंगा, क्या बना रही हूँ, तो कुछ काम करो तो जरूर आ जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था तो मैंने इसमें घी और ऐड किया है। और इसका मैं बनाऊंगी दो डो, बहुत अच्छे से ये डो इसका बन जाएगा। और अच्छा, आप इसको शेप देने के लिए या तो दिया वाला ले लीजिए स्टैंड, या तो अपने हैंड से ही इसको अच्छे से शेप दे सकते हैं, किसी भी मोल्ड में, बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल, किसी से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं आपको अभी फिलहाल दिए में करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ में कितने अच्छे से इसको मतलब क्या कहते हैं साना है, और ये बहुत अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डो को लिया है, और मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने एल्युमिनियम फॉइल से इसको बनाने की कोशिश की है। तो दिया वाला स्टैंड को मैंने ले लूंगी और उसके बाद इसमें एल्युमिनियम फॉइल रख रही हूँ। इस डो को इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करके इसको शेप दे दूंगी। तो शेप देने के बाद हल्का सा बीच में उंगलियों से होल कर दूंगी, लाइक इसमें ना होल इसलिए कर रही हूँ, ये भी आगे दिखाती हूँ कि जिसमें एक कपूर रख के जलाइएगा तो ये बहुत अच्छे से जलेगा। और फिलहाल ये देखिए शेप बहुत अच्छे से बन गया है। और इसी तरीके से आप धूप बत्ती का भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप में आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको धूप बत्ती के तरीके से भी बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैं धीरे धीरे इसको मतलब प्रेस कर रही हूँ और अच्छे से शेप दे दिया है मैंने इसको। तो ये देखिए इसी तरीके से अब मैं इसे जला के भी आपको दिखाती हूँ। तो स्टैंड पे ये देखिए मैंने रखा शेप को, और एक मैंने रख दिया कपूर की गोली। फिलहाल ये गीला है, थोड़ा सूखा हो जाएगा तो और अच्छे से ये जलेगा। तो बस इसको इसी तरीके से रख दीजिए और बढ़िया सुगंधित वातावरण, कितना बढ़िया उसी समय पे स्मेल करने लगा था। तो जब मैं इसको पीस रही थी ना तो मतलब मेरा आंगन महकने लगा था पूरा फूलों से, इसमें कपूर भी था, सिनेमन स्टिक भी था और बहुत सी चीजें थी, इस वजह से और अच्छा स्मेल कर रहा था। तो फिलहाल अब मैं ना इसमें एक आपको दिखाती हूँ, धूप बत्ती बना के भी मैंने जला रही हूँ इसको, और कितना बढ़िया देखिए धुआं निकल रहा है ये देखिए। इसी तरीके से पूरा बढ़िया बन जाएगा। तो मैंने सारे धूप बत्ती बना ली है, कुछ मैंने धूप बत्ती के शेप में, कुछ गोल शेप में, जैसा भी आपका मन हो वैसे भी शेप में आप बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको धूप में रख दूंगी थोड़ा सूखने के लिए, और देन मैं इसको यूज करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।